शिद्दत से लिखी है और रेखा जी ने इस गाना को अपना आवाज़ दिया है और इतनी ब्यूटीफुल आवाज़ है कि मुझे लगता है कि आज के दौर के लोगों को भी और पिछले और अगले सभी दौर के लोगों को ये गाना अमर हो जाएगा। इतना अच्छा सूफी सॉन्ग है एक, और एक विदाई का सॉन्ग है। इस गाने को है ना म्यूजिक डायरेक्टर दिया है, म्यूजिक दिया है अखिलेश मिश्रा जी ने, अखिलेश कुमार जी ने, और ए बी साउंड में अलका याग्निक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई है और उम्मीद है कि ये गाना सभी को पसंद आएगा। तो बेटी की विदाई का सॉन्ग है जो हिंदी और राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में है, जिन्हें रेखा जी ने गाई है। बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है और किसी भी फिल्म में जाएगा तो फिल्म तो हिट होगी लेकिन हर दिल को हर माँ बाप को आंसू बहा देगा। इतना अच्छा इतना प्यारा उन्होंने गाया है और इस गाने को मैं क्या बोलूँ, मेरे दिल के करीब से। फिल्मों मेरी काफी जी बहुत ही अखिल कुमार जी ने आज इस गाने में एक लाइन आपको बताती हूँ। और सीता झा की फ्रेंड, ये मेरी पेशेंट थी। मैंने इनको देखा, जब मैं इनको देखने गई तो अपना लिखा हुआ इन्होंने जो गीत है हमको सुनाया। मैं काफ़ी लाइक की और बोली कि भाई इसको आप बनाएं, आप तो पुराने पीढ़ी को भी खुश आपका लिखा हुआ जो गीत है कर सकता है और नई पीढ़ी को भी खुश कर सकता है। फिर मेरे बेटा ही हैं म्यूजिक डायरेक्टर अखिलेश कुमार जी से मैं मिली और कही कि भाई इनका आप कंपोज करिए और अपना म्यूजिक दीजिए, बिकॉज मैं उनकी जो म्यूजिक है बहुत लाइक करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। राइट नाउ वी आर एट ए बी साउंड्स और रेखा राव मैम के सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग चल रही थी,
अभी हमने फाइनलाइज किया है, उनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। और एक जानी मानी पार्श्व गायिका हैं, हमारे बॉलीवुड की शान है मैम। और आज उन्होंने बहुत खूबसूरत दो गीत यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं, एक सूफी सॉन्ग और एक विदाई का सॉन्ग। एंड ऑनेस्टली बीइंग अ गर्ल, मेरी आंखों में बहुत आंसू थे, बहुत देर तक मैं बहुत इमोशनल थी। मैम यू वर जस्ट ऑसम। एंड सिर्फ मैम के और जो मैम के इस गीत को जिन्होंने इतना खूबसूरत बनाया है, दो और खूबसूरत लोग, द म्यूज़िक कंपोजर, द म्यूज़िक डायरेक्टर मिस्टर अखिलेश कुमार एंड द लिरिसिस्ट हमारी शीला झा मैम। और इट इज़ अ वंडरफुल टीम आई मस्ट से। और इतना खूबसूरत गीत है कि मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ ऑनलाइन हल्ला नहीं मचाने वाला है, ये और भी बहुत जगह हल्ला मचाने वाला है। और मैम के जो लाइव शोज़ होते हैं, जो रॉकिंग रेखा राव शोज़ होते हैं, तो उनमें इन गीतों की ज़बरदस्त डिमांड आने वाली है। आई एम लकी, आई फील लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरी वन एंड इन्जॉइंग रियली रियली लाइक बस इन्जॉयमेंट चल ही रहा है। गीत कंप्लीट हो गया है लेकिन इन्जॉयमेंट खत्म नहीं हो रहा है। सो माय बेस्ट विशेस एंड आई एम ग्लैड दैट आई कुड यू नो लिसन टू हर एंड सिट विद हर टुडे एंड इट वाज अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।
अभी साउंड इंजीनियर का इंटरव्यू लीजिए। मैं नहीं देता, साउंड इंजीनियर नहीं देता। दो लाइन बोल देना। क्या बोलूं मैं इसी गाने को, दोनों गाने के लिए। सॉन्ग बहुत अच्छा गाना रिकॉर्ड किया अखिलेश जी का, म्यूजिक और रेखा जी ने गाया, क्या बात है। और जिन्होंने लिखा है पूछो मत, शीला जी ने लिखा है, क्या लिखा है। और टोटल पैकेज बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सर। आप मैं भी बोलता हूँ, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बन पा रहा है जिसमें शीला जी का लिखा हुआ लिखी हुई और रेखा जी का तो जवाब ही नहीं है, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बना है। भी कुछ बोल दीजिए। मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ और ओके, आई एम मेघा भारती एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि आज तो बहुत खूबसूरत गीतों की रिकॉर्डिंग हुई है जिसे दी रेखा राव जी ने गाया है एंड श्री अखिलेश कुमार जी ने म्यूजिक दिया है एंड हमारी शीला झा मैम ने जो है उसे लिखा है। सो आई रियली एंजॉयड द सेशन एंड इट्स गोइंग टू रॉक, आई एम श्योर अबाउट दैट। मैं अपनी तारीफ क्या करूँ, जब इतने सारे लोग तारीफ कर ही रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप सबका जो मुझे साथ मिला है इससे मैं बहुत खुश हूँ और इसी तरह आगे सबका साथ मुझे मिलता रहे और इसी तरह मैं अच्छे अच्छे गाने लिखती रहूँ और पब्लिक तक पहुँचाती रहूँ। मैं राइटर शीला झा के विषय में कहना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छा लिखा और इनके कारण इन्होंने हमको फ़ोन किया आप क्लिनिक आज बंद रखेंगे और आप स्टूडियो में आना है और मेरा सुनना है। फिर अखिलेश कुमार जी का या आंटी बिल्कुल सही बोल रही हैं, आपको आज क्लिनिक बंद करना है और आके हम लोग का साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और ये गाना बनने जा रहा है सुनिए। मैं यहाँ 6 घंटा से अपना टाइम खेल किया और इतना अच्छा गाना बना है कि शायद मैं क्या ये इंडिया में पूरा फेमस होगा और बहुत आगे जाएंगे ये राइटर में। अखिलेश कुमार जी भी वो तो बहुत ही 7000 एल्बम बना चुके हैं टी सीरीज से, बहुत पुराने बहुत ही मज़े हुए म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और मैं धन्यवाद अरविंद जी को करना चाहूँगी जो साउंड इंजीनियर है, जो इतना बढ़िया उन्होंने इसको काट छाट करके गाने को कंप्लीट किया, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी के बारे में कुछ नहीं बोले आप, मैडम बोलिए। हेलो, अभी बोल नहीं, आप एक बार फिर से बोलिए। हाँ, और बेस्ट सिंगर, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत सुरीली आवाज़ रेखा जी, जो हमारी बेटी की तरह है, यह हमको मोहित कर दी अपनी आवाज़ से। बार बार मैं अपना भूल ही गई कि मैं डॉक्टर हूँ और क्लिनिक जाना है, पेशेंट देखना है और इनकी आवाज़ को सुनती रही और मेरा भी मन ज़रा डगमगा गया डॉक्टर होते हुए उस गाने को सुनकर और अंदर से अपनी शादी की दिशाएँ याद आ गई कि हमारी भी विदाई ऐसी हुई थी। हेलो, हाय, मैं रेखा राव सिंगर। आज जो गाने रिकॉर्ड किए हमने, पहला सूफी गाना तेरे इश्क ने कितना सताया, जो कि शीला झा जी ने लिखा है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहन की तरह मुझे मानती हैं, तो हमने प्लान किया था कि हम लोग एक सूफी गाना रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन साथ ही हमने एक दूसरा गाना भी रिकॉर्ड किया है जो विदाई का गाना है, वो हिंदी और राजस्थानी मिक्स हमने किया है। मैं सबसे यही अपेक्षा रखूँगी, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सुनने वाले हैं, सब ये गाना सुने, शेयर करें, लोगों को सुनाएं, दिखाएं। थैंक यू सो मच। प्लेबैक सिंगर रेखा जी और अखिलेश कुमार जी जिन्होंने म्यूजिक दिया है और शीला झा जो बहुत खूबसूरत लिखती है, इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।